जनपद में मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक काले बादल छाए रहेंगे, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार जो अनुमान प्राप्त हुआ है, पूरे पूर्वांचल में काले बादल छाए रहेंगे। कुछ जगहों पर छुटपुट वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है, लेकिन अभी तक मौसम विभाग के द्वारा आंधी तूफान या भारी वर्षा की चेतावनी नहीं दी गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा है कि इस समय ठंड का सीजन आ गया है, सुबह शाम ठंड पड़ रही है, इसलिए गर्म कपड़ा पहनना शुरू कर दें। यदि सर्दी जुकाम हो गया है तो तुरंत उपचार करें। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो पूर्वानुमान प्राप्त है उसके अनुसार इस पूरे पूर्वांचल के जनपदों में थोड़े बादल छाए रहेंगे। ये संभावना भी व्यक्त की गई है कि छुटपुट वर्षा हो सकती है, लेकिन किसी प्रकार की आंधी तूफान या किसी भारी वर्षा की कोई चेतावनी इस क्षेत्र में अभी तक प्राप्त नहीं है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अब ये सर्दी बढ़ रही है और इसमें किसी भी स्तर पे कोई लापरवाही ना बरते। खास तौर से सुबह और शाम का जो समय होता है वो ज़्यादा ठंडक भरा रहता है, तो उस दौरान गर्म कपड़े पहनना प्रारंभ करें। और यदि जरा सा भी सर्दी जुकाम वगैरह हो रहा हो या कुछ इस तरह की दिक्कत हो तो समुचित उपचार प्राप्त करें, और यथा कोशिश करें कि अगर बहुत आवश्यकता ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें और सर्दी में अपने आप को सुरक्षित रखें।